नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए वर्गो एसेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 15 जुलाई के बाद ये आपके 11th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 11 जुलाई के बाद ये आपके 9th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 18 जुलाई के बाद ये आपके 12th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 11 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और ये यहीं पर ही गोचर करते रहेंगे। शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 6 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और ये यहाँ पर 14 नवंबर 2024 तक रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 139 डेज तक ये यहाँ पर आपके 6th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस केलो और बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिलना। देखिए, ये जो समय है कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को विशेष तौर से आप देखेंगे 18 जुलाई 2024 तक का समय आपको मित्रों के माध्यम से नेम फेम मिलना, सपोर्ट मिलना, हेल्प मिलना, पर्सनैलिटी में निखार आना, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। परंतु कहीं ना कहीं चेहरे के ऊपर जो ग्लो जो होता है वो कहीं दबा हुआ रहेगा। कभी कभी समय समय पर आपके चेहरे पर पिंपल होना, दाग धब्बे होना, स्किन का कलर चेंज हो जाना ऐसा दिखाई देगा, परंतु जल्दी ही रिपेयर भी हो जाएगा, जल्दी ही वह ठीक भी हो जाएगा ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से धन और धन से संबंधित आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, उन आइडियाज़ को आप नोट करके रखने का प्रयास कीजिएगा। इसका 18 जुलाई 2024 के बाद का जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से अपनी पर्सनैलिटी, अपने नेम फेम को बचा कर रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रकार से कोई उस पर दाग धब्बा ना लगने पाए। परंतु 18 जुलाई 2024 के बाद का समय जो लोग अधिक दूरी पर रहते हैं, आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली मेंबर हैं या आपके क्लाइंट कस्टमर्स हैं, उनसे आप अधिक नेम फेम और लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। आपको फॉरेन जाने का योग भी प्राप्त होता है 18 जुलाई 2024 के बाद। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकेंड हाउस के विषय में। सेकेंड हाउस केल और शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और सेकेंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय है इस समय में विशेष तौर से अगर अपने कार्य व्यवसाय में कुछ उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो नए एम्प्लॉई, नए क्लाइंट, नए कस्टमर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में घर परिवार के अंदर का माहौल काफ़ी सुखद और खुशनुमा रहने वाला है। मित्रों का आना, पार्टीज इत्यादि का होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय समय पर धन का आवागमन भी होता हुआ दिखाई देता है। सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इस समय में धन आपकी तरफ आकर्षित होगा, परंतु जितना आपने चाह की है उतना ही धन आप इस समय में प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, देखिए ये समय आपको यात्राएं कराएगा। इस समय में यात्राएं करने से लाभ होगा, परंतु यात्राएं कष्टकारक, दुख देने वाली, परेशानी देने वाली भी हो सकती हैं। यात्रा करते समय विशेष तौर से अपने पैरों का ध्यान रखकर चले, पैरों में चोट, खरोच, मोच इत्यादि होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या जिस व्हीकल से आप जाना चाह रहे हैं
उस व्हीकल का भी ध्यान रखें, या तो व्हीकल खराब हो सकता है, व्हीकल को दिक्कत आ सकती है, व्हीकल से आपको दिक्कत आ सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये सब आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के पास भेजने वाला भी रहेगा, हो सकता है उनसे आपका मिलना हो जाए, उनसे आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाए। यात्राएं परंतु कष्टकारक दिखाई देती है, तो यात्राएं करने से थोड़ा सा बचना चाहिए और सेफ तरीके से यात्रा करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि रिलेटिव कार्य है तो उन कार्यों को आप 11 जुलाई 2024 के बाद अधिक मेहनत अधिक प्रयास से कर पाएंगे, उनमें अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। परंतु ये समय आपको हार्डवर्क कराने वाला रहेगा, हार्डवर्क करने के बाद स्ट्रगल करने के बाद आपको नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाएंगे, आप उनसे लाभ होगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो 11 जुलाई 2024 के बाद आपको उनसे कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, और फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है, केवल सूर्य और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 15 तारीख के आसपास तक मिलता रहेगा। सूर्य का तो 15 तक मिलेगा और शुक्र ग्रह का आपको 6 तारीख तक मिलेगा। देखिए अगर आपका कोई घर लेने का प्लान है, घर की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो इस समय बेहतर है, इस समय काम को कर लिया जाए लाभदायी रहेगा। इसके साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर रहते हैं, फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये समय आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आप अपना घर परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के माध्यम से काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। घर का रेनोवेशन कराना हो, व्हीकल का रेनोवेशन कराना, नया व्हीकल परचेज करना हो, उन सब चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देगी। माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प मिलना, उनकी हेल्थ बेहतर होना, एडवाइस मिलना, धन लाभ मिलने के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सिक्स हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, और फिफ्थ हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 18 तारीख तक, और उसके बाद और यहाँ पर शुक्र और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट भी मिलता दिखाई देगा। देखिए इस समय में और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी प्रयास कर सकते हैं, जाने के लिए मैंने नहीं बोला, कभी आप सोचें कि जाने के लिए बोल दिया, अभी प्रयास कीजिएगा। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कोई प्लानिंग बना सकते हैं। और अगर आप यहीं पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं अधिकारी रैंक का, आईएएस आईपीएस या इससे बड़ी पोस्ट का, कोई आप एग्ज़ाम या बैंक से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कीजिएगा। समय तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए बेहतर है। इस समय में जो तैयारी आप कर लेंगे उस तैयारी के माध्यम से या उस तैयारी के बेस पर आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। संतान को कंसीव अगर आप कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी योग मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो उसे 6 जुलाई के बाद आप बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपके मन के अंदर प्यार का मधुरता भरा संगीत जगता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय में मैं प्यार ना करने के लिए बोलूँगा, जो स्टूडेंट है अपने एजुकेशन की तरफ फोकस करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और सिक्स हाउस के ऊपर के बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलेगा 18 तारीख के बाद में, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए इस समय में आपका अगर आपके एनिमी से किसी प्रकार से आप पीछा छुटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट इत्यादि का कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को आप पूर्ण करके या सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आप अपने एनिमी से कोर्ट कचहरी इत्यादि के रिलेटेड कार्यों में आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे, अपने एनिमी से पीछा छुटा पाएंगे। इसके साथ साथ आपको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ है तो उसमें सुधार होने के लक्षण दिखाई देते हैं, हेल्थ काफ़ी हद तक सही होने के कगार पर होगी। परंतु यहाँ पर संभावना ये भी दिखाई देती है कि आप मेडिसिन का सहारा जो ले रहे थे वो छोड़ सकते हैं, किसी कारण से गैप आ सकता है तो गैप ना आने दिया जाए। अगर गैप नहीं आएगा, कंटिन्यू आप मेडिसिन लेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा लोन इत्यादि अगर लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए मैं अभी आपको कहूँगा कि कम से कम लोन लेकर के चला जाए। इस समय में लोन लेना कोई ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाता हुआ दिखाई नहीं देता है। आगे बात करेंगे आपके सेवंथ हाउस के विषय में। सेवंथ हाउस में राहु ग्रह का गोचर, केतु ग्रह का एस्पेक्ट मिलना, और सेवंथ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं,
ये समय स्पाउस के साथ यात्राएं करने का है, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने मित्रों के साथ एक यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा करने के लिए बेहतर है। यात्राएं अचानक से होगी, बैठे बैठे अचानक से कोई प्लान बन गया कि चलिए वहाँ घूमने जाने का प्लान है, तो यात्राएं इस तरह की होंगी। यात्राएं सुखद होंगी, अच्छी यात्रा का सुख प्राप्त हो पाएगा। और देखिए इस समय में व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड भी कुछ आइडियाज़ आपके मन के अंदर चलते रहेंगे। भले ही आप टूर ट्रैवल के सुख के लिए गए हैं, परंतु वहाँ पर भी अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपका मन व्यापार से रिलेटेड किस चीज़ से लाभ हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट सर्विस मैं यहाँ से ले जाऊँ जिसे मैं अपने सिटी में रख करके बेच सकूँ, तो ये चीज़ आपके मन में, या ये कहें कि बिजनेस माइंडेड आप रहेंगे और व्यापार जगत में अपना नेम फेम बना पाएंगे, ऐसे योग मिलते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके एट्थ हाउस के विषय में। एट्थ हाउस के लॉर्ड एट्थ हाउस में 11 तारीख तक रहेंगे और एट्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। और देखिए ये जो समय है 11 जुलाई 2024 तक का समय, विशेष तौर से आपको अपने गुप्तांग के लिए केयरफुल रहना चाहिए। हॉट स्पाइसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पाइसी हो और हॉट हो उसे जल्दी जल्दी सेवन नहीं करना चाहिए। हाल तो उनका उन्हें अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज किसी न किसी प्रकार से गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या पाइल्स जैसी जो अगर प्रॉब्लम आपको है, आपकी ज़्यादा है और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, तो वो आपत बढ़ सकती है, वो परेशानी दे सकती है। इस समय में विशेष तौर से अपने पैरों का भी चलते समय ध्यान रखें, जलने कटने जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ जो किसान भाई हैं, अगर कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं फसल के लिए, तो 11 जुलाई के बाद का समय बेहतर दिखाई देता है। रजिस्ट्री इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा फायर से बच के रहने के लिए बोलूँगा, फायर से बचकर रहा जाए, बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके नाइन्थ हाउस के विषय में। नाइन्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और मंगल ग्रह भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे 11 तारीख के बाद। और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके थर्ड, आपके टेंथ और आपके इलेवंथ हाउस में गोचर करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, तो इस समय में आपको नए प्रोडक्ट सर्विस अपने व्यापार व्यवसाय में जोड़ने से लाभ होगा, भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कुछ लीजर्स ट्रेवल करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सरकारी व्यक्तियों से भी हेल्प मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय अवधि अगर आप अपने व्यापार में या बिजनेस में अपनी कुछ नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में एम्प्लॉय हायर करना अधिक उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में उनसे आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके टेंथ हाउस के विषय में। टेंथ हाउस में सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर और टेंथ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए इस समय में आपके अगर GST इत्यादि से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, नई कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कार्य के लिए समय बेहतर है। कोई एम्प्लॉय हायर किया है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, उनके लिए कार्य के लिए समय बेहतर है, कर लिया जाए। इसके साथ साथ अगर कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, तो उसे 18 जुलाई 2024 से पहले पहले पसंद कर लिया जाए, उसके बाद परचेज कर लेंगे तो भी लाभ प्राप्त रहेगा। फॉरेन जाना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, या क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, अधिक आप जोड़ना चाहते हैं, तो 18 जुलाई से पूरे महीने प्रयास कीजिए। 18 जुलाई के बाद उनसे आप कुछ वार्तालाप कर पाएँ, आपका उनसे मीटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, उनसे मिलना हो, फौरन जाने का योग आपको बनता है। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में बुध ग्रह का गोचर जो कि 18 तारीख तक रहेगा और बुध ग्रह आगे बढ़ जाएंगे 18 के बाद, और यहाँ पर सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर रहने वाला है और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा 11 तारीख तक। उसके बाद वो भी एस्पेक्ट भी हट जाएगा और राहु ग्रह का एस्पेक्ट पूरा बना हुआ है। देखिए आप अपने धन को जब भी आप पार्टी इत्यादि करें, मित्रों के साथ पार्टी हो या कोई भी गेट टुगेदर हो, तो पार्टी में अपने धन को थोड़ा सेव करके चलने का प्रयास कीजिए। अपने धन के बारे में बताने से बचिएगा कि कितना धन आपने कमाया, धन से संबंधित वार्तालाप ही ना कीजिए आप अपने बारे में, औरों की आप कर सकते हैं बेहतर है। कुछ नया आइडिया मिलता है उसे आप अडोप्ट कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर कोई भूमि परचेज करनी है, कोई वाहन परचेज करना है, उसका योग मिलता दिखाई देगा, उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, नेम फेम आपको प्राप्त होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों से कुछ लाभ लेना है,
आप प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में आप कुछ धन लेकर के उस कार्य को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। कार्य शॉर्ट आउट कराने के लिए समय बेहतर है। आप फॉरन जाना चाहते हैं, अपने धन को फॉरन लैंड पर जाने के लिए खर्च करना चाहते हैं, नए क्लाइंट कस्टमर के लिए खर्च करना चाहते हैं, करने से लाभ होगा। नए पब्लिक समूह बनाने से आपको इस समय में लाभ होगा। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 जुलाई के विषय में। देखिए 1 जुलाई का जो समय रहेगा ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, इससे थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके शांत करके चलने का प्रयास करेंगे, लाभ होगा। 2 और 3 जुलाई का समय, 2-3 जुलाई का समय आपको फाइनेंस देने वाला होगा, इस धन का आवागमन होना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं 2-3 जुलाई के समय में प्रयास कर सकते हैं। वीजा पीआर के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहेगा, यात्रा करने के लिए भी बेहतर रहेगा, कोई लीजेस ट्रेवल करना है तो अच्छा रहेगा। भाग्य का इस दिन भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, धन आपके पास आए ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। 4 और 5 जुलाई का समय, देखिए 4 और 5 जुलाई का समय जो है, जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए प्रयास करने से लाभ मिलता दिखाई देगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने कार्य व्यवसाय को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का कार्य कीजिएगा, अपनी कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए जो भी आप 2 दिन में कुछ कार्य करेंगे उसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलता दिखाई देगा। इसके बाद 6, 7, 8, देखिए 6, 7, 8 जुलाई का समय आपको अगेन फाइनेंस देने वाला रहेगा, फाइनेंस को सेविंग करने की भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और पार्टी इत्यादि का सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 9 और 10 जुलाई का समय, 9-10 जुलाई का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन का खर्चा होना किसी प्रकार से, या तो मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, किसी मित्र की या किसी रिलेटिव की हेल्थ के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इस दिन कुछ दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य, अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन्हें पैसे देकर के आप शॉर्ट आउट करा सकते हैं, संभावनाएं बनती दिखाई देती है। इसके अलावा डोनेशन इस दिन आप काफ़ी कीजिएगा, और फॉरन जाना चाहते हैं तो फॉरन जाने के लिए टिकट इत्यादि इस दिन बुक कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। 11, 12, 13 जुलाई का समय, देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जुलाई का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इन दिनों में आपके पास धन का आवागमन होना बहुत अच्छा समय है, धन का आवागमन इस समय में होता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आप देखेंगे आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने कार्य व्यवसाय में आप तल्लीन होंगे और पारिवारिक सुख भी आपको प्राप्त होगा, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होगा, मार्केट में जाने से आपको लाभ होगा, मार्केट से आप धन प्राप्त कर पाएँ, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाएँ, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 19-20 जुलाई का समय, देखिए 19-20 जुलाई का समय ये आपको अपने घर के अंदर एक सुकून भरा समय देने वाला रहेगा। वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है, या कोई घर परचेज करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए, या घर परिवार के साथ माता माता तुल्य स्त्रियों के साथ समय व्यतीत करना, उनसे एडवाइस धन लाभ लेना कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है, पीसफुल समय है। इसके बाद 21-22 जुलाई का समय, 21-22 जुलाई का समय जो व्यक्ति जो स्टूडेंट है उन्हें एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। 21-22 में भी आपके पास धन आने का योग बनता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, डेट का प्रयोग कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये समय जो क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस दिन नए टेंडर मिलना, धन का लाभ होना, टोकन मनी इत्यादि मिल जाना, इस चीज़ का योग मिलता दिखाई देता है। 23-24 जुलाई का समय, देखिए 23-24 जुलाई का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। एनिमी इस समय में आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। आपका कोई लीगल मैटर है उसमें आप यहाँ पर एडवाइस ले सकते हैं, उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं उन कार्यों का आप आसानी से निपटा पाएंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय, देखिए 25-26 जुलाई का जो समय रहने वाला है, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में अपने स्पाउस के साथ किसी टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। व्यापार जगत में आपका नेम फेम हो, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देगी, ऐसे कुछ कार्य करने से लाभ होगा। इसके बाद 27-28 जुलाई का समय, देखिए 27-28 जुलाई का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला होगा। इस समय में कुछ कार्य ऐसे जो आप नहीं करना चाहते, परेशानी देने वाले कार्य या जिन्हें करने का मन नहीं है, उन कार्यों को करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये समय हो सकता है स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए, ना जाने का मन था फिर भी जाना हो, रेस्ट करने का मन था फिर भी रेस्ट नहीं किया, आज भी भाग दौड़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर आपका चल अचल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, थोड़ी भाग दौड़ स्ट्रगल करके आप उसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29-30 जुलाई का समय, देखिए 29-30 जुलाई का समय जो व्यक्ति फॉरन जाना चाहते हैं, इस फॉरन जाने के लिए बेहतर दिखाई देता है, लीजेस ट्रेवल करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। भाग्य का सपोर्ट आपको इस दिन प्राप्त होगा, इस दिन धन का आवागमन आपके पास हो, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। आपके कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। 31 जुलाई का समय, 31 जुलाई का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो प्रयास किया जाए। अगर आप बिजनेस में बिजनेस करते हैं तो इस दिन कुछ नया करने के लिए विचार कीजिएगा, बिजनेस में आप क्या नया कर सकते हैं इससे कि आपका व्यापार ग्रोथ करे। तो ये था कन्या लग्न के लिए जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम्पो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम्पो बनाने के लिए आपका प्रेम्पो धन्यवाद। नमस्कार।